यूज होने वाली ऑर्थोग्राफिक्स कमांड्स के बारे में जानेंगे कि उनको यूज़ कैसे किया जाता है और इनका वर्किंग हम कैसे करा सकते हैं। जी, आपके सामने स्क्रीन ऑन हो चुकी है। सबसे पहले न्यू पार्ट, ओके, उसके बाद हमने सबसे पहले इसका व्यू सेट करना है। इसमें तीन व्यू हैं, फ्रंट, टॉप और राइट। ये ऐसे आपने जिस व्यू में बनाना है उसे ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अब फ्रंट में ये प्रेस ऑप्शन आए हैं फोर, स्केच, शो, जूम टू सिलेक्शन और नॉर्मल टू। हमने यहाँ पे करना है स्केच। ये फ्रंट व्यू हमारे सामने आ गया है और यहाँ फ्रंट व्यू सब आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हमने प्लेन वाइट, इससे हमारा व्यू ना ज़रा अच्छा नज़र आने लगेगा। इसके बाद हम सबसे पहले ये लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन और रेक्टेंगल और जो हमारा स्लॉट्स, इनके बारे में। मैंने लाइन चूज़ की है, देखिए सर, ये 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, और राइट क्लिक करेंगे तो हम कमांड्स पे ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद आती है सेंटर लाइन। ये देखिए हम यहाँ पे इसे खुद ही सेंटर लाइन बना देगा। इसे राइट क्लिक, सेलेक्ट, बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमारी है मिड लाइन, यानी कि हम दरमियान से, ये हमारा मिड पॉइंट होगा जब हम शुरू करेंगे जहाँ से भी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओके हो गया। राइट क्लिक, सेलेक्ट, कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आ गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितनी किस्म की हैं, 5 किस्म की यहाँ पर दी हुई हैं उन्होंने। फर्स्ट में हम लेते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल, 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। इसके बाद जो है वह है सेंटर रेक्टेंगल, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वह दरमियान में होगा। ये देखें, 1 पॉइंट हमने ले लिया, अब जो सेकंड पॉइंट। इसके आगे आ जाता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। ये देखिए ना, क्रिएट होने हो रही है, क्रिएट हो रही है, ये थर्ड पॉइंट। उसके बाद हमारे जो है फोर्थ पे वो है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, जैसे ये 1 पॉइंट, ये हम मिड पे लेते हैं 2 पॉइंट, यानी क्रिएट हो रही है, ये अब थर्ड पॉइंट पे हमने क्रिएट कर ली। आगे आ जाता है ये पैरेललोग्राम। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, सेकंड पॉइंट ये, देखिए ना ये क्रिएट हो रही है। हम इसे भी 360 डिग्री पर हम इसे घुमा सकते हैं। जी ये हमारे रेक्टेंगल बन गए। इसके आगे आ जाती है स्लॉट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब हम किसी भी दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो इनके लिए ये हम यूज़ करते हैं स्लॉट्स वगैरह। जी स्लॉट्स पहले हम इसे कैंसिल करें, जो बनाए इसे डिलीट कर देते हैं।
स्लॉट्स की भी चार यहाँ पे सामने है, स्ट्रेज स्लॉट, सेंटर पॉइंट, स्ट्रेजिट स्लॉट, थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। हम पहले स्ट्रेजिट स्लॉट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया है, अब सेकंड पॉइंट और एक क्रिएट हो गई। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट है वो है सेंटर पॉइंट स्ट्रेजिट स्लॉट। जगह मिड प्लेन में ये मिड प्लेन से सेंटर इसमें दिया है, इसका फर्स्ट हमने इसका ले लिया है पॉइंट। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट, देखें ये क्रिएट हो गई। इसके बाद जो थर्ड है इसके बारे में वो है थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट। देखिए थ्री पॉइंट हम लेंगे इसके, वन पॉइंट ले लिया हमने, सेकंड पॉइंट हमने ये ले लिया। और ये देखें ये हमने यहाँ पे इस तरह बनानी है, ये थर्ड पॉइंट ले लिया ये। अब इसका हम फोर पॉइंट यहाँ पे हमने छोड़ना है, होगा इसका फोर पॉइंट ये छोड़ दिया। इसके बाद आगे आ जाती है सेंटर पॉइंट आर्क। देखिए ये हमने इसका फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, सेकंड पॉइंट ये ले लिया। अब इसका जो हमने थर्ड पॉइंट है वो हम ये ले लेते हैं, ये वाला। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ये वाला। ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने आज क्या पढ़ा, लाइंस, रेक्टेंगल और स्लॉट के बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।